हेलो फ्रेंड्स, आपका इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक अटका है। आपका इंटीमेशन मेल आपको आ चुका है, रिफंड का मैसेज भी आपको आ चुका है, बट रिफंड अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आपको वेबसाइट पे जाके लॉग इन करना है और बैंक प्रीवैलिडेशन चेक करना है। कुछ इस तरह का इंटीमेशन मेल आपको मिल चुका है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रिफंड का मैसेज भी आ चुका है, बट रिफंड आपके क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो वो टाइम पे बैंक प्रीवैलिडेशन चेक करना है। लेट्स सी द स्टेप्स फॉर बैंक प्रीवैलिडेशन। पैन नंबर से आपको वेबसाइट से लॉग इन करना है, एक कैप्चा फिल करके यहाँ लॉग इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉग इन करते हो, होम पेज पे आके प्रोफाइल सेटिंग में जाना है और ये टैब है प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ सब कुछ ब्लैंक दिख रहा है, आपका बैंक डिटेल्स, आईएफएससी कोड या डिटेल शो नहीं हो रहा है, इट मींस आपका प्री वैलिडेशन कम्प्लीट नहीं है। तो आपको ये सब डिटेल्स प्रॉपर भर के यहाँ प्री वैलिडेट करना है। याद रहे, मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ डालना है और ईमेल आईडी जो आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। जैसे ही आप डिटेल्स भर के सबमिट करते हो, वहाँ प्री वैलिडेट करते हो, इस तरह का आपको एक मैसेज दिखेगा जो आपका डिटेल सबमिट सक्सेसफुली हुआ है। और वापस प्रोफाइल सेटिंग में जाके प्री वैलिडेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो इस तरह का लाइन आपको ऐड हुआ दिखेगा, जो या स्टेटस आपको वैलिडेटेड दिखेगा। ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है और मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछा है कि मेरा रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया। तो उन्होंने मुझे ये रीज़न बताया, जो कि मेरा यह बैंक डिटेल्स पूरा ब्लैंक था। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी फेस किया है। प्री वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको इस तरह का एक ईमेल भी आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो प्री वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल करके मैसेज आएगा। इस तरह आपका बैंक प्री वैलिडेशन कम्प्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।